जम्बे स्टोर के जम्बे टैक्सी के विषय में कुछ बात मैं करना चाहूँगा। उनको हम बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। उनको वो न केवल मेरा दोस्त था वो, बल्कि वो ही वॉज मोर देन ब्रदर। वो यहीं पे वो बैठे थे मेरे बगल में, जहाँ आज भाई को बैठे हुए हैं। उनका जन्म सन 1974 खरतोत बस्ती में हुआ है। और हम लोगों ने उनका स्कूलिंग वगैरह तवांग से करने के पश्चात दिल्ली में हम लोग साथ, हम वहीं मिले उनको, हम लोग कॉलेज में साथ थे। उन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन है उन्होंने डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉलेज से उन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। और उनके बारे में तो अनगिनत जो योगदान उन्होंने अपने जगह के लिए दिया है, अपना लोगों के लिए दिया है, वो अनगिनत है। फिर भी मैं केवल कुछ बिंदुओं को ही मैं चुनना चाहूँगा। 2003 में वो पहली दफ़ा वो एक्टिव पॉलिटिक्स में कदम रखा उन्होंने। और उनका जो पहला जो इलेक्शन रहा वो अंचल समिति मेंबर ग्यांगर खरतोत क्षेत्र से, वो 2003 में अनोपोस एसएम चुन के वो आया है। और साथ ही साथ तवांग में एक एनजीओ जो कि पूरा मेरा ख्याल से पूरा अरुणाचल में जानते होंगे, युवा अरुणाचल के नाम पे। और ये युवा अरुणाचल का भी गठन उनके ही नेतृत्व में किया गया था 2004 में। उसका फायदा जो आज मेरे ख्याल से पूरे भारतवर्ष में, पूरे हमारे इस प्रदेश में ऐसा जो एक बोनहोमी का जो देखने को जो मिलता है इंडियन आर्मी और सिविलियन, तो युवा अरुणाचल इस क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ किया है। और फायदा हमारे जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो जनजाति जो है बसे हुए, वहाँ के जो मॉन्क्स लोग हैं, वहाँ में जो हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उन सभी को भरपूर इंडियन आर्मी की तरफ से मदद मिलता है और आगे भी मिलते रहेंगे। और उसका मैं श्रेय स्वर्गीय में जम्बे को मैं देना चाहूँगा कि युवा अरुणाचल ने जो काम करके गया है वो आने वाला कई साल इसका फायदा हमें मिलते रहेंगे। उनका असेंबली में 2009 में जब पहले दफा जब वो उनका जब इलेक्शन हुआ, वो अनअपोज्ड लुमला से एमएलए बन के आए वो 2009 में। और सही मायनों में वो एक ऐसा नेता था कि जमीन से जुड़े हुए हमारे मासेस के लिए वो था। वो वहाँ के जो एजुकेटेड बट अनएम्प्लॉयड उन लोगों के लिए वो लीडर था। पिछले 13-14 वर्ष में शायद मुझे नहीं लगता कि जाम्बे स्वर्गीय जाम्बे ने जो जितने जो युवाओं का जो मदद किया है, कितने लोगों को नौकरी दे पाया है, सरकारी नौकरी। और जो जिसको लगता है कि हम सरकारी नौकरी उनको दे नहीं पाए, उनके लिए भी अलग सुविधा उन्होंने मुहैया कराया। और मुझे ये भी कह के मुझे बड़ा
सुकून मिलता है कि शायद अरुणाचल प्रदेश में हमारे 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, आने वाला पिछले अगर हम 8-10 साल में अगर कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी को अगर उभरते हुए देखा, खिलते हुए दिखाए, तो वो शायद लुमला कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा, लुमला कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा। एजुकेशन के क्षेत्र में मैं इस हाउस से मैं विनती करना चाहूँगा, जितने भी हमारे जो मेम्बरान हैं, वहाँ पे एक स्कूल है जिस स्कूल में हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम साहब, आप खुद भी स्कूल में गए, आप खुद स्कूल में रहा आप वहाँ पे, और वो स्कूल जमसे गसल चिल्ड्रंस स्कूल, उसका जो स्टैंडर्ड है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्कूल उन्होंने बना के रखा हुआ है। साथ ही साथ वीकेबी स्कूल वहाँ पे बन रहा है, और साथ में एक लाबिया स्कूल, मेरे ख्याल से वो अभी कम्प्लीशन वो हो रहा है, वो ना जाने और जितने भी जो स्कूल्स है, आप अगर गांव में जाके कोई प्राइमरी स्कूल को भी आप देखिए, और गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल लुमला को भी आप जाके देखिए, उसका तरफ से यही प्रयास रहा कि स्कूल को हर सुविधा मुहैया कराना है, हॉस्पिटल को मेरा ख्याल से ऐसा ऐसा इक्विपमेंट्स वगैरह वहां पे लगा हुआ है, शायद कई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी ऐसा सुविधा शायद नहीं मिलता होगा। और चूंकि हम मौन क्षेत्र से आते हैं, हम हमारा जो ट्रेडिशनल खेल होता है, हम लोग आर्चरी हम लोग खेलता है, और उस पूरे उस क्षेत्र में लुंगला ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे पूरा जो स्टेडियम होता है, हम फुटबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, उसी तरह से जो आर्चरी का भी जो ग्राउंड है, जो खेलने की जो सुविधा है, वो केवल एक ही जगह मौन इलाका में एक जगह है, तो वो है लुमला में। और भी बहुत कुछ उन्होंने किया है, अगर आप लुमला में शाही महीने में आप विकास अगर देखना है, तो हमें लुमला पहुंचना चाहिए, वहां तक दिखना चाहिए कि एक भी ऐसा गांव नहीं है जहां पे ब्लैक टॉप रोड ना पहुंचा हो। कोशिश उनका ये रहा कि एक रोड नहीं, एक अल्टरनेटिव रोड भी उन्होंने बना के दिया हुआ है। तो हमने ऐसा एक नेता को हमने खोया है, और चूंकि हम बौद्ध धर्म को हम विश्वास करते हैं, और हम जब बौद्ध धर्म कहता है तो टूरिज्म भी साथ साथ जुड़ जाता है उसमें, बहुत सारे लोग जिमीथांग, तवंग मोनेस्ट्री, इनको देखने के दर्शन के लिए आता है, वो ना केवल भारतवर्ष है बल्कि विदेशों से भी आता है, फॉरेन कंट्रीज से भी टूरिस्ट पहुंचता है। तो वहाँ पे भी 2-4 जो स्टेचू वगैरह, जो जम्बा लगांग हो गया, गुरु पद्मा संभव का स्टेचू हो गया, और ड्रोमा लगांग, ये हम लोगों के लिए बहुत महत्व रखता है। और इसमें मैं ये भी कहना चाहूँगा कि ये जो भी बनाया उन्होंने सरकारी खजाने से नहीं बनाया उन्होंने, वो अपने तरफ से अपने बलबूते जो हो पाया उन्होंने किया। तो ऐसा एक नेता हमने खोया है, ऐसा एक दोस्त हमने खोया है। साथ ही साथ जैसे कि मैंने कहा कि वो बहुत समय लग जाएगा अगर उनका उन्होंने जो काम किया है अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए, अरुणाचल के लिए, एक मुझे पता है कि उनकी जो अर्धांगिनी है, उनकी जो मिसेस है श्रृंगलामू,
ये इस जीवन में शायद इससे बड़ा शॉकिंग, इससे बड़ा दुखद बात आपके लिए नहीं होगा। आपके दो बेटी हैं, आपका एक बेटा है, जो नुकसान हुआ उसका भरपाई नहीं होगा। आपने आप तीनों को छोड़ के चला गया है और साथ ही साथ हजारों की संख्या में जो दिल से उसको प्यार करता है आप उनको भी छोड़ के चला गया है। मेरे तरफ से पूरा दिरांग क्षेत्र की तरफ से मैं आप तीनों हमारे टॉलेस्ट लीडर रहा कर्मांगचु एट स्वर्गीय थुप्तेन तेम्पा, स्वर्गीय झाम्बे टाशी, मैं श्रद्धांजलि देना चाहूँगा। साथ ही साथ मैं झाम्बे को मैं यंगसन कहता हूँ, मेरा वो दोस्त से भी भर के शायद ऐसा रिश्ता रहा मेरा उनके साथ में। तो एक मैं अपने बात को ख़त्म करूँ उससे पहले एक बहुत ही मशहूर एक गीत है जिसको शैलेंद्र जी ने लिखा था, उसका कुछ पंक्तियाँ मैं सदन में आपके अनुमति लेते हुए मैं रखना चाहूँगा। इसके साथ मैं अपना भाषण को मैं समाप्त करना चाहूँगा। कल खेल में हम हो ना हो, कल खेल में तुम हो ना हो, गर्दिश में तारे रहेंगे सदा, भूलोगे तुम भूलोगे वो, पर हम तुम्हारे रहेंगे सदा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। थैंक यू सर।